हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी, काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई। जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप, हाँ, बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई हुई है, कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो, जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी, मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट, आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, मास्टर जी सही कह रहे थे। मास्टर मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। जी मैं इनसे कह ही रहा था, काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हो, थोड़ा महंगा पड़ गया, सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको मेरा? पता नहीं क्या, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप मैंने कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहां पर, सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम आए कह रहे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैंची ले, टुकड़े टुकड़े कर ना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा, अच्छी क्वालिटी है हाँ। बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी, वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा दो। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ, मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जो ज्यादा, वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद की डेट दे। क्या बहन जी, 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ, काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था, मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप मेरी सुन। हाँ जी, अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख लो तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी वहां जाना। वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखियो जरा इससे पंगा ले रहा है तेरा तो। है बहन जी, अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था।